भारत के किस राज्य में हुई आसमान से खून की बारिश और क्यों मिडिल एज के दौरान लोग अपना अंडकोश ही कटवा लेते थे, और अफ्रीकी देश का एक ऐसा फुटबॉलर जिसका जन्म उसकी माँ की मौत के 4 साल बाद हुआ पर कैसे, और इंग्लैंड का एक ऐसा त्योहार जहाँ होती है सिक्कों की बारिश। क्या आपको पता है जिस चॉकलेट को आप खाते हैं उसमें कॉकरोच भी मिलाया जाता है? यदि आप इन सभी फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20। दोस्तों 25 जुलाई 2001 को केरल में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। असल में 25 जुलाई 2001 को केरल में बारिश हुई और ये कोई साधारण बारिश नहीं बल्कि लाल रंग की बारिश थी, मानो जैसे आसमान से खून बरस रहा हो। बारिश के कारण लोगों के मन में डर बैठ गया और वे लोग इसको कोई बड़ा अपशगुन मानने लगे, जिसके बाद उन्होंने घर से निकलना ही बंद कर दिया। बाद में साइंटिस्ट ने इस बारिश के पानी पर बहुत ही ज्यादा रिसर्च की पर वे किसी भी नतीजे पर पहुंचने में नाकाम रहे और इस प्रकार ये लाल रंग की बारिश आज भी एक रहस्य बनी हुई है। नंबर 19। क्या आप जानते हैं जिस चॉकलेट को आप इतने शौक से खाते हैं उस चॉकलेट में कॉकरोच पाया जाता है? वेल, आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो सकता है पर ये फैक्ट 100% सच है। FDA की गाइडलाइंस के अनुसार प्रत्येक 100 ग्राम चॉकलेट में इंसेक्ट्स के मैक्सिमम 60 टुकड़े पाए जा सकते हैं। वहीं एक चॉकलेट बार में ऑन एवरेज इंसेक्ट्स के 8 टुकड़े पाए जाते हैं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी जिन लोगों को चॉकलेट से एलर्जी होती है, दरअसल उनकी एलर्जी भी उसमें पाए जाने वाले कॉकरोच की वजह से ही होती है, चॉकलेट की वजह से नहीं। नंबर 18। अब जो फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मिडिल एजेस के दौरान वैसे पुरुष जिन्हें बेटे की चाहत होती है वो अपना लेफ्ट टेस्टिकल यानी बायां अंडकोश हटवा लेते थे, क्योंकि उस दौर में बहुत से लोगों का ऐसा मानना था कि लेफ्ट टेस्टिकल से बनने वाले स्पर्म से लड़की का जन्म होता है और राइट टेस्टिकल में बनने वाले स्पर्म से लड़के का जन्म होता है। इस अंधविश्वास के कारण जिन लोगों को सिर्फ बेटी ही पैदा होती थी वो लोग बेटे की चाहत में अपना लेफ्ट टेस्टिकल ही निकलवा लेते थे। नंबर 17। अमेरिका के ओरेगन स्टेट की एक जेल में बंद कैदी एंथोनी माउंट व्हीलर जेल से छूटने के लिए पागल होने का नाटक करने लगा। अधिकारियों को जब इस कैदी के पागलपन के बारे में पता चला तब इलाज के लिए उसे पागलखाने में भेज दिया गया। पागलखाने में अपने नाटक के बारे में डॉक्टर्स को समझाने में उसे 14 साल लग गए। सच्चाई जानने के बाद डॉक्टर इसे पागल ही मानते रहे, क्योंकि डॉक्टर का मानना था कोई पागल इंसान ही पागल होने का नाटक कर सकता है। जेल में जिस शख्स को सिर्फ कुछ साल की सजा बितानी थी अपने पागलपन के नाटक की वजह से उसे पागलखाने में 20 साल बिताने पड़ गए। नंबर 16। जापान में एक ऐसा कैफे है जो रोबोट्स के द्वारा ऑपरेट होता है। इस कैफे की खास बात यह है कि यहाँ रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए पैरालाइज्ड लोगों को नौकरी पर रखा गया है, और उससे भी खास बात यह है कि पैरालाइज्ड लोग अपने घर से ही रोबोट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कैफे में तैनात रोबोट्स को डिसेबल्ड लोगों के लिए डेवलप किया गया है। ये रोबोट्स आंखों से ही कंट्रोल हो सकते हैं। पैरालाइज्ड लोगों के लिए कमाई का जरिया अवेलेबल करवाने वाले इस पहल की जितनी तारीफ की जाए कम। नंबर 15। पांडवरा बत्ती नाम के इस पौधे की पत्तियों को कैंडल की तरह जलाया जा सकता है। इसे जलाने के लिए बस इसकी पत्तियों के ऊपर थोड़ा सा तेल लगाना होता है और फिर ये पत्तियां लंबे समय तक जलती रहती हैं। यहाँ तक इस पौधे की हरी पत्तियां भी अच्छे से जल सकती है। इस पौधे को पांडवों की टॉर्च भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि वनवास के दौरान पांडव टॉर्च के रूप में इसका उपयोग करते थे। पांडवरा बत्ती का साइंटिफिक नेम कैलिकार्पा टोमेंटोसा है और ये केवल साउथ इंडिया और श्रीलंका में पाया जाता है। नंबर 14। कुछ समय पहले फ्रांस की एक इंस्टाग्राम मॉडल फ्लाइट से ट्रैवल कर रही थी। ट्रैवल के दौरान वो फ्लाइट की बिजनेस क्लास में चली गई। वहाँ उसने अपनी फोटो खिंचवाई और इंस्टाग्राम पर उसे तुरंत अपलोड कर दिया। फोटो खिंचवाने के बाद वो इकोनॉमी क्लास में जाकर बैठ गई, मतलब वो इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रही थी, लेकिन उसने ये दिखावा किया कि वो बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रही है। मजे की बात तो ये है कि उसी फ्लाइट में मॉडल के झूठ का पर्दाफाश हो गया। फ्लाइट में बैठे एक शख्स ने मॉडल का इंस्टाग्राम पोस्ट भी देखा और फिर जब उसने इसे इकोनॉमी क्लास में बैठे देखा तब उस शख्स ने इंस्टाग्राम पर सबके सामने मॉडल के झूठ को बेनकाब कर दिया। नंबर 13। केनिया में उमोजा नाम का एक गांव है। इस गांव की खास बात यह है कि यहां पुरुषों के रहने की इजाजत ही नहीं है। इस गांव को वर्ष 1990 में रेबेका लोलो सोली नाम की एक महिला ने बसाया था, जिसके बाद से ये गांव घरेलू हिंसा का शिकार महिलाओं का बसेरा बनता रहा है। किसी भी प्रकार की हिंसा से ग्रसित महिलाएं इस गांव में आकर आजादी के साथ अपनी जिंदगी जी सकती है।
यदि कोई पुरुष गांव में घुसने की कोशिश करता है तो उसे जेल की हवा खानी पड़ती है। इस गांव की महिलाएं अपना खर्च चलाने के लिए ज्वेलरी बनाने का काम करती है। नंबर 12, क्या आपने कभी किसी सांप के ड्रग एडिक्शन के बारे में सुना है? वर्ष 2016 में रिसर्च पर्पस से एक पाइथन को ऑस्ट्रेलिया के एक ड्रग लैब में रखा गया। ड्रग लैब में वक्त बिताने के बाद इस पाइथन को ड्रग्स की लत लग गई। इसके ड्रग एडिक्शन को छुड़ाने के लिए इसे रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजना पड़ा, जहां उसे नॉर्मल होने में 7 महीने लग गए थे। नंबर 11, वर्ष 2017 में अमेरिका के अरकनसास में एक शख्स पावर केबल बिछाने के लिए अपने घर के सामने खुदाई कर रहा था। खुदाई के दौरान जमीन के अंदर उसे सफेद रंग की कुछ चीजें दिखी। गहराई से खुदाई करने पर उसे वहाँ क्वार्ट्ज का विशाल भंडार मिला। उस शख्स ने उस जगह पर खुदाई करके लगभग 1500 किलोग्राम क्वार्ट्ज निकाले, जिसकी कुल कीमत $5,00,000 से भी ज्यादा थी। सच में इस शख्स की तो किस्मत ही बदल गई। नंबर 10, सैमसंग कंपनी का बिजनेस कितना फैला हुआ है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साउथ कोरिया की टोटल इकोनॉमी में 15% हिस्सेदारी अकेले सैमसंग कंपनी की ही है। साउथ कोरिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी सैमसंग से शुरू होकर सैमसंग पर ही खत्म होती है। सैमसंग के हॉस्पिटल में लोगों का जन्म होता है। सैमसंग के अपार्टमेंट में लोग रहते हैं, बीमार पड़ने पर सैमसंग के हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं, सैमसंग की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, और मर जाने पर उनका सैमसंग के फ्यूनरल पार्लर में अंतिम संस्कार होता है। नंबर 9, दुनिया के सबसे महान आर्टिस्ट विंसेंट वैन गॉग ने अपनी जिंदगी की सारी कलाकृति सिर्फ 9 साल के अंदर ही बनाई थी। उन्होंने 28 साल की उम्र में पहली बार पेंटिंग शुरू की थी और फिर अगले 9 साल के अंदर ही उन्होंने 860 ऑयल पेंटिंग समेत 2100 आर्ट वर्क्स बना डाले। हैरानी की बात तो यह है कि जिस इंसान को आज दुनिया का सबसे महान आर्टिस्ट माना जाता है, उसकी जिंदगी में उसे एक नाकामयाब और पागल इंसान माना जाता था। अपनी जिंदगी में इन्हें इतनी निराशा मिली कि उन्होंने मात्र 37 साल की उम्र में ही आत्महत्या कर ली थी। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत ने अपने सुसाइड से पहले विंसेंट वैन गॉग की ही एक पेंटिंग अपने ट्विटर प्रोफाइल पर लगाई थी। नंबर 8, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के पिछले 3500 सालों के इतिहास में केवल 268 साल ही ऐसे रहे हैं जब पूरी दुनिया में शांति रही। यानी कि दुनिया में इंसानों की जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसमें से केवल 8% समय ही शांतिपूर्वक बीता है। वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने पिछले 239 सालों में 222 साल किसी न किसी जंग में बिताए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में लड़े गए तमाम युद्ध की वजह से अब तक लगभग 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ लोगों की जान जा चुकी है। नंबर 7, एक ऐसा फुटबॉलर जिसका जन्म 1990 में हुआ है, उसकी मां 1986 में ही मर चुकी है। उम्र में इस तरह की धोखाधड़ी करने वाले फुटबॉलर का नाम कांगा काकू है। कांगा काकू अफ्रीकी देश गाबून की नेशनल टीम की ओर से फुटबॉल खेलते हैं। हाल ही में कांगो के खिलाफ एक मैच के बाद उनकी इस धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। खुद कांगा काकू के डॉक्यूमेंट्स में मां की मृत्यु का साल 1986 दर्ज है, जबकि उनके जन्म का साल 1990 है। अब भाई, मां की मौत के 4 साल बाद किसी का जन्म कैसे हो सकता है? खुद अफ्रीकन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन भी कांगा काकू से इस सवाल का जवाब जानना चाह रही है। नंबर 6, वर्ष 1957 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक स्टडी के लिए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के पास बियर और सोडा की कुछ बोतलें रख दी और फिर बाद में इन बोतलों की जांच की गई। इस स्टडी में पता चला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से पैदा होने वाली इमरजेंसी सिचुएशन में भी ड्रिंक करना सेफ रहेगा। मतलब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के दौरान जान बचेगी या नहीं, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ड्रिंक करना सेफ रहेगा, इसकी फुल गारंटी है। भाई, स्टडी है या मजाक? नंबर 5, तुर्की पक्षी का नाम तो आपने सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं मूल रूप से पक्षी किस देश का है? ये बताने से पहले हम आपको इसके अलग अलग नामों के बारे में बताते हैं। दुनिया की ज्यादातर जगहों पर इसे तुर्की नाम से जाना जाता है, लेकिन तुर्की देश में इसका नाम तुर्की नहीं बल्कि हिंदी है। इंडिया में इसका नाम पेरू है। अरेबिक में ये ग्रीक चिकन, ग्रीक में फ्रेंच चिकन और फ्रेंच में ये इंडियन चिकन है। और दिलचस्प बात तो यह है कि नाम के अनुसार इनमें से किसी भी देश से इस पक्षी का संबंध नहीं है। तुर्की मूल रूप से अमेरिका और मेक्सिको में पाए जाते हैं। नंबर 4, पेरिस में एक बस में सवार लोगों ने व्हीलचेयर पर बैठे एक पैसेंजर को बस में घुसने के लिए जगह नहीं दी। ड्राइवर ने बस में बैठे लोगों से गुजारिश की कि वे लोग व्हीलचेयर के लिए जगह बना दे, लेकिन कोई भी शख्स अपनी जगह से नहीं हिला, जिसके बाद ड्राइवर ने गुस्से में आकर बस में सवार सभी लोगों को उतार दिया और व्हीलचेयर पर बैठे शख्स को बस में बैठाकर बस ड्राइवर अकेले पैसेंजर को लेकर मंजिल की ओर निकल पड़ा। वैसे जिन लोगों के दिल में इंसानियत ना हो, उनके साथ ऐसा ही किया जाना चाहिए। नंबर 3, इंग्लैंड के हॉनिटोन शहर में हर साल हॉट पेनी डे नाम की एक सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। इस सेरेमनी में लोग सड़कों पर जमा हो चुकी भीड़ के बीच सिक्कों की बौछार करते हैं और सड़क पर मौजूद लोग इन सिक्कों को लूटते हैं। आज भले ही लोग एंजॉयमेंट के लिए इस सेलिब्रेशन में हिस्सा लेते हैं, लेकिन 13th century में जब इसकी शुरुआत हुई थी, तब ये सेरेमनी गरीबों के ऊपर अत्याचार का एक मौका हुआ करता था।
उस दौर में अमीर लोग सिक्कों को आग में गर्म करते थे और फिर उसे सड़कों पर फेंका करते थे और गरीबी से लाचार लोग गर्म सिक्कों को अपने हाथों से उठाया करते थे। हाथ जलने के कारण जब इन लोगों की चीख निकलती थी तो तब अमीर लोग ठहाके मारकर हंसा करते थे। नंबर दो, साउथ अमेरिका के वैज्ञानिकों को कई सारे मिस्टीरियस केव सिस्टम मिले हैं। इन प्राचीन केव सिस्टम को देखकर सभी वैज्ञानिक हैरान थे कि आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ होगा। सालों की स्टडी के बाद फाइनली इस केव सिस्टम का रहस्य वैज्ञानिकों को समझ में आ गया। वर्ष 2010 में वैज्ञानिकों को इस बात का पता चला कि ये कोई केव सिस्टम नहीं बल्कि एंशियंट जेंट स्लॉट्स के द्वारा खोदी गई टनल्स यानी सुरंगे हैं। जस्ट इमेजिन, जो जीव खुदाई करके इतनी बड़ी टनल्स का निर्माण कर सकता है उसका खुद का आकार कितना बड़ा रहा होगा। नंबर एक, दोस्तों रशिया में लोग न्यू ईयर के दिन बर्फ के पानी में नहाते हैं। उनका ये मानना है कि ऐसा करने से उनका पूरा साल अच्छा बीतेगा। कुछ इसी मान्यता को मानते हुए ये लड़की भी आइस बाथ ले रही थी, पर शायद वो अपनी टी शर्ट के नीचे ब्रा डालना भूल गई और इसको उस समय काफी शर्मिंदगी भरे पलों का सामना करना पड़ा। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए और साथ ही वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।